साइंस के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह भी आ जाता है मैथ्स भी आ जाता है, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी आ जाते हैं मीन है, e हर कैटेगरी के टीचर्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में जो कि वेल क्वालिफाइड है और उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है टीचिंग की जॉब्स में सो so, वो ऑनलाइन टीचिंग जॉब भी करना चाहते हैं और किसी कंट्री में फिजिकल टीचिंग जॉब की भी अपॉर्चुनिटी है तो वो वो भी अवेल करना चाहते हैं उन्हें कोई वेबसाइट चाहिए जहाँ पर ये सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं डोंट के लाया हूँ एक लिजिट वेबसाइट जहाँ पर आपको न सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग जॉब मिलेंगी जो कि बेस्ड होंगी यूएस की कनाडा की ऑस्ट्रेलिया की एज वेल एज दुबई की जॉब्स भी वहां पर अवेलेबल होगी अगेन टीचिंग जॉब और सबसे मजे की बात ये है कि वहां पर फिजिकल जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी है आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको वीजा भी मिलेगा टिकट भी मिलेगी और अकोमोडेशन वगैरह की सारी फैसिलिटीज भी मिलेगी ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं शॉर्ट सी वीडियो में सो so, अगर आप टीचिंग जॉब में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए सो वीडियो को मिस ना कीजिएगा बिकॉज इसमें जो सारा प्रोसेस है ना प्रोफाइल कंप्लीट करने का वो आपने जरूर देखना है अगेन कोई एक रुपया भी आपका लगने नहीं वाला फ्री में सारा प्रोसेस होने वाला है बस आप क्वालिफाइड होने चाहिए और आपका टीचिंग जॉब में इंटरेस्ट होना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो बाकी का सारा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं सो so, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताता चलो कि मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं नाइनटीज मीटर यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर आपको रेगुलर ऑनलाइन लर्निंग पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब्स के रिलेटेड मिलती रहती है सो मेक श्योर कर लें कि आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होने वाली है सो तो इसको से करके लाइक देना आपने अप देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी ऑनलाइन टीचिंग जॉब्स या फिजिकल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सके और अपना एक बेहतरीन सा रोजगार शुरू कर सके तो चलिए शुरू करते हैं सो so, फ्रेंड इस वेबसाइट का नाम है टीच अवे डॉट कॉम यहां पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का यू आर एल टीच अवे डॉट कॉम जहां पर आपको बहुत ज्यादा जॉब्स मिलने वाली है टीचिंग के रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा कि इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूं ताकि आपको आसानी हो इस वेबसाइट पर पर आने के लिए ये देखिए पर आप देख सकते हैं 20 प्लस इयर्स हो चुके हैं इस वेबसाइट को जो कि ये सर्विसेज हमको दे रही है लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं होगा इस वेबसाइट के बारे में दो में ये स्टार्ट हुई थी दो ये चल रहा है बीस साल पुरानी वेबसाइट है लोग इससे फायदा उठा रहे हैं और आप लोगों को पता ही नहीं था लेकिन जब आपने कहा कि हमें कोई वेबसाइट ढूंढ के ला दी जाए और मैंने बगैर कोई डिले करते हुए आपके सामने ये वेबसाइट लेके आ गया यहां पर हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर देखिए एक्सप्लोर द वर्ल्ड वाइल्ड टीचिंग जी हाँ फ्रेंड्स आपने सिंपल एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है जो कि मैं आपको सक्सेसफुली एक प्रोफाइल क्रिएट करने सिखाऊंगा देन फाइंड योर ड्रीम जॉब जो भी आपकी ड्रीम जॉब है आपको यहां से मिल जाएगी किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको यहाँ से मिल जाएगी किसी भी कंट्री से, से और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है अगर आप ऑनलाइन कोई सर्टिफिकेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं लेकिन ये ऑप्शनल होगा जरूरी नहीं है एंड देन गेट अर रेडी टू फ्लाई चाहे आपकी ऑनलाइन जॉब हो वो भी मिल जाएगी या फिर अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं तो आप अप्लाई करेंगे आपको वीजा भी मिलेगा आप डायरेक्टली उस कंट्री में जाकर पढ़ा भी सकेंगे जी हाँ फ्रेंड बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है सिंपल स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पर ये देखिए द वर्ल्ड इज योर क्लासरूम रूम यहाँ पर ये यह देखिए यानी कि आप यहाँ पर बैठे पूरी दुनिया में पढ़ा सकते हैं और नीन इंटरनेशनल यहाँ पर देखिये चाइना के स्कूल हैं यहाँ पर देखिए जापान के स्कूल हैं यू दुबई वगैरह के एज वेल एज यहाँ पर यह देखिए बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल होने वाली है मी बस आपने प्रोफाइल कंप्लीट करनी है यहाँ पर ये यह देखिए ओवरसीज जॉब्स अवेलेबल है ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल है टीचर सर्टिफिकेशन अवेलेबल है यहाँ पर स्क्रोल करें आपके सामने यहाँ पर ये देखिए पार्टनर्स वगैरह भी यहाँ पर है यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो यानी कि कनाडा की यूनिवर्सिटी भी एज वेल एज यूए की जो ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो भी यहाँ पर जॉब पोस्ट करती है यहाँ पर यह देखिए हर घंटे की जॉब मिलने वाली है सिंपल आपने करना क्या है सबसे पहले आपने यहाँ पर रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है जैसे आप रजिस्टर के बटन में क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पर कि आपका फेसबुक अकाउंट है आप उसके थ्रू लॉग कर सकते हैं साइन अप कर सकते हैं लिंकड इन वगैरह का एक्सेप्ट कर लीजिएगा इसकी जो कुकीज वगैरह यहाँ पर देखिए मैं इसका मैनुअल जो फॉर्म है वो फिल करूंगा यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखिएगा देन लास्ट नेम लिखिएगा और देन मेल एड्रेस पर करने के बाद सा पासवर्ड आपने लिखना है और सेंड मी अपडेट्स अबाउट जॉब क्लिक करते हुए साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है जैसे आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी यहां पर वेलकम लेट्स गेट स्टार्टिंग यहां पर ये देखिए अपना यहां पर विच जॉब टाइटल फिट्स यू बेस्ट यहां पर आपने वो सिलेक्ट करना है अगर आप लाइसेंस टीचर हैं आप ये सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं लाइसेंस नहीं है आप ये सिलेक्ट कर लीजिएगा ई एस एल इंस्ट्रक्टर या फिर अगर आप डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं या फिर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर हैं तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा जैसे कि मैं यहाँ पर लाइसेंसड एंड सर्टिफाइड टीचर के ऊपर सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर ये देखिए दो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस कर दीजिएगा अदरवाइज नो भी कर सकते हैं पहला सर्टिफिकेट होता है ई सर्टिफिकेट यानी कि ये सर्टिफिकेट उन टीचर्स के लिए जरूरी होता है जो कि दूसरी कंट्रीज के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं लेकिन उस कंट्री के स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज क्या है जी इंग्लिश नहीं है देन आप को ये सर्टिफिकेट करना पड़ता है देन उसके बाद यहां पर ये देख सकते हैं अगर है तो यस अदरवाइज नो मैं यस yes करूंगा फिलहाल उसके बाद अगर आपके पास टीचिंग सर्टिफिकेट है यहां पर मोस्टली लोगों के पास जो टीचिंग जॉब्स करते हैं उनके पास सर्टिफिकेट होते हैं yes, पे क्लिक कर दीजिएगा आपने गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना दे कि, कि जो लोग हायरिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग जॉब्स के बारे में तो यस yes कर दीजिए अगेन मैं यस yes करूंगा इंटरेस्टेड गेटिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर मैं नो no करूंगा बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है अगर आपके पास नहीं है तो आप यस yes कर सकते हैं अगेन यहाँ पर ये देखिए टीचिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट मोर अबाउट यू के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा आपके सामने नेक्स्ट विंडो नजर आ जाएगी यहां पर ये देखिए आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है किस कंट्री में आप रहते हैं यहां पर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा यहां पर ये देखिए सिंपली मैं लिखूंगा पाकिस्तान आप भी अपना कंट्री लिख लीजिए जिस भी कंट्री में आप रहते हैं सिटीजनशिप यहां पर ये देखिए मैं लिख लूंगा अगेन पाकिस्तान नहीं हूं मैं यहां पर ये देखिए पाकिस्तान लिखा मैंने उसके बाद अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा सबसे पहले आपने यहां पर ये देखिए इंग्लिश सेलेक्ट करनी है प्राइमरी लैंग्वेज यहां पर ये देखिए यानी कि आप फ्लूएंट है इंग्लिश लैंग्वेज में आपने वो सिलेक्ट करनी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आप इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे उर्दू में तो पढ़ाएंगे नहीं सो so, सिंपली आपने पहले इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है देन आपने यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज हिंदी उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है यहां पर देखें हिंदी उर्दू लिखेंगे आपके सामने ये टैग नजर आ जाएगा सिंपली इसको क्लिक कर दीजिएगा देन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर प्रॉपरली लिखनी है देखें अगेन आपने सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी है इसके आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट होनी चाहिए जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर होगी सो मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दूंगा सिंपली आपने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ ऐसे मैंशन कर लेनी है अपना जेंडर लिख लीजिएगा अगर आप मेल हैं फीमेल हैं या फिर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं सो so, मैं यहाँ से मेल सेलेक्ट कर लूंगा देन आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है फोन नंबर प्रॉपर ऐड कीजिएगा बिकॉज सम टाइम नॉट ओनली सम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपसे कोई कंपनी हायरिंग के लिए कॉन्टैक्ट करेगी तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका फोन नंबर यूज़ करेगी सो so, आपका प्रॉपर जो वर्किंग फोन नंबर है आपने वो यहाँ पर ऐड करना है ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी सीवी अपलोड करनी है रिज्यूमे ऐड रिज्यूमे पर क्लिक कीजिएगा रिज्यूमे अगर आपको नहीं बनाना आती तो मैं सिंपली बता दूट चैट जीपीटी से आप अच्छे से रिज्यूमे बना सकते हैं यहाँ पर आपने रिज्यूमे वर्ड में या पीडीएफ में अपलोड कर देनी है यहाँ पर मैंने अपनी एमएस वर्ड में जो सीवी बनाई थी यहाँ पर अपलोड कर दी ये देखिए अपलोड हो चुकी है यहाँ पर आपने टर्म्स एंड कंडीशन को चेक मार्क कर लेना है और नेक्स्ट सर्टिफिकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है यहाँ पर ये देखिए कोई एक चीज रह गई है मेरे ख्याल में यहां पर यह देखिए प्रोविंस टेरिटरी यहां पर इस्लामाबाद में लिखना भूल गया था सो so, आप अपना यहां से प्रोविंस सेलेक्ट कर लीजिएगा यहां पर मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेता हूं यहां पर टेरिटरी और स्क्रोल डाउन करते हुए मैं यहां पर नेक्स्ट सर्टिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा अगर तो आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट की डिटेल ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सिंपली सिंपली आपने आई डो नॉट हैव अ टीचिंग लाइसेंस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है सो so, मैं यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट लाइसेंस की यहाँ पर डिटेल ऐड करूंगा कि किस बॉडी ने ये इशू किया सिंपली मैं लिख लूंगा अपनी यूनिवर्सिटी का नाम उसके बाद यहाँ पर टीचिंग लाइसेंस टाइप कौन सा है यहाँ पर मैं अदर के ऊपर क्लिक कर दूंगा यहाँ पर ये यह देखिए स्क्रॉल डाउन करें अदर की यहाँ पर ऑप्शन है उसके बाद कौन से ग्रेड के लिए है कौन सी कंट्री से हो है यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूंगा देन आपने यहाँ पर ग्रेड सेलेक्ट कर लेना है कौन से ग्रेड टेंथ ग्रेड तक के लिए ये सर्टिफिकेट एलिजिबल है यहाँ पर ये टेंथ ग्रेड को मैं मेंशन कर दूंगा उसके बाद यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आपको ये सर्टिफिकेट मिला सो यहाँ से अपनी स्पेशलिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से मैं एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर लें और इकोनॉमिक्स जो सी आपकी स्पेशलिटी है आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा देन आपने क्या करना है यहाँ पर वैलिड फ्रॉम किस डेट को ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था उसके बाद एक्सपायरी अगर उसकी है तो यहां से आप मेंशन कर सकते हैं अगर एक्सपायर नहीं होना तो नो एक्सपायरी डेट इसके ऊपर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा आपकी मर्जी है सर्टिफिकेट के ऊपर देख लीजिएगा अगर एक्सपायरेशन डेट है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैंने क्लिक करना है आपको अगेन मैं यहाँ से भूल गया अपना प्रोविंस अपना टेरेटरी सेलेक्ट करना है इस्लाबाद में सेलेक्ट कर लेता हूँ ये हमेशा मैं भूल जाता हूँ यहाँ पर ये यह देखिए जैसे मैंने कंफर्म के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया यहाँ पर ये यह देखिए मेरी क्वालिफिकेशन की विंडो ओपन हो चुकी है यहाँ पर ये यह देखिए अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन कीजिएगा मास्टर्स यहाँ पर स्टडी यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा किस फील्ड में आपने की है मैंने यहाँ पर मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन ऐड कर दी उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा उसके बाद कौन सी डेट को आपने डिग्री शुरू की और कौन सी डेट को आपने अपनी डिग्री खत्म की आप यहाँ पर मैंशन कर दीजिएगा सिंपल से काम है सिंपल सा काम है लेकिन फिर भी मैं आपको हाथ पकड़ के सिखा रहा हूँ ताकि आप कहीं भी गलती ना करें सो मैंने यहाँ पर यह लिख दिया नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा यहां पर मेरे पास लास्ट स्टेप आ जाएगा यहाँ पर अपनी पोजीशन टाइटल के बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिख लीजिएगा यहाँ पर अपना कंट्री लिख लीजिएगा ये सारी डिटेल प्रॉपरली फिल कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते रहे हैं किस ग्रेड को पढ़ाते रहे हैं क्या आपकी स्पेशलाइजेशन थी सारी चीजों को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर सेम यानी कि जो फर्स्ट विंडो आई थी ना क्वालिफिकेशन वाली सर्टिफिकेट वाली वही तकरीबन सारी विंडोज हैं लेकिन उसमें बार बार डिफरेंट चीज़ें हैं कभी एक्सपीरियंस है कभी आपका सर्टिफिकेशन के बारे में है और कभी आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में और सारी चीजें मैं फिल कर रहा हूँ फिनिश अप के बटन पर मैंने लास्ट क्लिक किया यहाँ पर देखिए जब मैंने फिनिश अप के बटन पर क्लिक किया यहाँ पर देखिए मेरी प्रोफाइल यहाँ पर स्ट्रेंथ यहाँ पर इंटरमीडिएट हो चुकी है मुझे इसको कंप्लीट करना है यानी कि ये जो ग्रीन लाइन है ना इसको फुल एंड तक लेके आना ताकि मेरे स्कोर ज़्यादा हो और ज़्यादा मेरे चांसेस हो हायरिंग के ये कंप्लीट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है अपनी प्रोफाइल की ये ग्रीन लाइन कंप्लीट करनी है यहाँ पर यह देखिए इन्होंने बताया भी हुआ कि कुछ आपकी प्रोफेशनल सेटिंग्स रहती हैं ये बहुत ही जरूरी होंगी अगर आप ये चीज़ें फुलफिल करेंगे तो आपके हंड्रेड परसेंट चांसेस होंगे जॉब को अवेल करने के यहाँ पर यह देखिए तीन चार चीज़ें मेरी सिर्फ रहती हैं वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ सबसे पहले ऐड पर्सनल डिटेल के ऊपर मैंने क्लिक किया है यहाँ पर ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले मैं अपनी फोटो अपलोड करूंगा दैन यहां पर ये देखिए टेल मी अबाउट योर सेल्फ यानी कि अपने बारे में एक बेहतरीन सी स्टेटमेंट आपने लिखनी है अगर आपको फिर भी कुछ नहीं पता तो चैट जी को कह दीजिए कि मुझे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख दे टीचिंग जॉब के बारे में यहां पर सिंपली आपने इस स्टेटमेंट को कॉपी करते हुए वापस आ जाना है और यहां पर पेस्ट कर देना है देख लीजिएगा कि क्या लिखा है बिकॉज सम टाइम ये आपकी सी बन रही है अगर आपने सी वी पे वो वाली चीजें लिखी जो कि आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो फ्यूचर में आपको मसला हो सकता है सो so, इस स्टेटमेंट को प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा देन आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे देखिए सेव के बटन पे जैसे मैंने क्लिक किया ये देखें थोड़ी सी प्रोफाइल आगे बढ़ गई है आगे होगी स्ट्रेंथ अगेन मैंने कंप्लीट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर ये देखिए कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ पर ये देखिए दो चीजें नीचे रह गई यहाँ पर इन्होंने कहा कि दो रेफरेंसेज ऐड करें यहाँ पर दो रेफरेंसिस आपने यहाँ पर ऐड कर लेने हैं जो भी आपका जानने वाला है आपका टीचर वगैरह यहाँ आपका सीनियर वगैरह आपने उसकी डिटेल यहाँ पर प्रॉपरली ऐड कर लेनी उसका डेजिग्नेशन वगैरह उसका नाम वगैरह उसका फ़ोन नंबर वगैरह उसका ई एड्रेस वगैरह यहाँ पर दो रेफरेंसेज आपने ऐड करने हैं सिमिलर टू जैसे आप सी बनाते हैं तो रेफरेंसिज आप यहाँ पर ऐड करते हैं इससे आपकी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ बढ़ती है सो so, मैं यहाँ पर पहले एक रेफरेंस ऐड करूँगा सिंपली यहाँ पर ये देखिए किस कंट्री से पाकिस्तान से एक रेफरेंस ऐड हो गया अगेन मैं दूसरा रेफरेंस भी ऐड करूँगा मुझे अपनी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ चाहिए ज़्यादा 100 परसेंट ताकि ज़्यादा चांसेस हो ऑनलाइन टीचिंग जॉब या कोई भी फिजिकल टीचिंग की जॉब है पाकिस्तानियों के लिए तो वहां पर मैं अप्लाई करूं मेरे हंड्रेड परसेंट चांसेसिस्ट होने के सो so, यहाँ पर ये यह देखिए मैंने दूसरा रेफरेंस भी एड कर लिया यहाँ पर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद किस कंट्री से यहाँ पर यह देखिए दो रेफरेंसेज एड हो गए यहाँ पर यह देखिए इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पर यह देखिए एक मेरा लास्ट वाला स्टेप रह गया दो क्रीडेंशियल आपने अपलोड करने है एक अपनी डिग्री अपलोड कर लीजिएगा एक क्या अपलोड कीजिएगा सिंपल अपना कवर लेटर अपलोड कर लीजिएगा मैं दोनों यहाँ पर अपलोड करता हूँ यहाँ पर देखिए मेरी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ हंड्रेड परसेंट हो चुकी है अब मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करूंगा सो फ्रेंड यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो गई अब हमने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है यहाँ पर देखिए जॉब की विंडो हमारे सामने यहाँ पर ओपन है सारी की सारी चीजें यहाँ पर हमारे सामने नजर आ रही होंगी वन क्लिक पे कोई अप्लाई होगा यहाँ पर देखिए जॉब्स कंट्री वाइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स की आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग जॉब्स करना चाहें वो कर सकते हैं यहाँ पर देखिए यूएस की जॉब्स देख लेते हैं यहाँ पे यहाँ से यू की जॉब्स देख लेते हैं अपनी मर्जी पहले ऑनलाइन टीचिंग जॉब देख लेते हैं कौन कौन सी अवेलेबल है यहाँ पर ये यह देखिए आर्ट टीचर अवेलेबल है यहाँ पर देखिए ऑनलाइन ई टीचर यहाँ पर लेटिन टीचर यहाँ पर देखिए सर्टिफाइड इंग्लिश ट्यूटर अवेलेबल है रिमोट जॉब अवेलेबल है इसके बाद यहाँ पर ये देखिए फ्रेंच के टीचर अवेलेबल हैं अगेन यहाँ पर ये देखिए अगेन यहाँ पर ये देखिए हिस्ट्री का टीचर अवेलेबल है मैथ के टीचर अवेलेबल है वन क्लिक के ऊपर मैं अप्लाई करूंगा यह देखे मैथ का टीचर मैंने ओपन किया यहाँ पर देखे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होना चाहिए लाइसेंस टीचर होना चाहिए यहाँ पर बैचलर डिग्री रिक्वायर है पाँच साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर ये देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन हंड्रेड डॉलर पर लेसन पैसे मिलेंगे ठीक है हंड्रेड डॉलर पर लेसन यहाँ पर देखिए सिंपली मैंने अप्लाई नौ के बटन पर क्लिक करूंगा ये देखिए वन क्लिक पे मेरी जॉब अप्लाई हो चुकी है आपके सामने अप्लाइड कहाँ से पता चलेगा कि अप्लाई हो चुकी है यहाँ पर ये यह देखिए वापस जाते हैं यहाँ पर देखिए अप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक कीजिए यहाँ पर देखिए जॉब मैं अप्लाई कर चुका हूँ फर्स्ट जुलाई को आज के दिन इसके बाद जी यहाँ पर ये देखिए अगेन सजेस्टेड जॉब्स के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर किसी और कंट्री की जॉब्स यूनाइटेड स्टेट्स की देखना चाहूँ यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स की जॉब यहाँ पर अवेलेबल है वन क्लिक पे सारी सारी जॉब्स यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पर किसी और कंट्री की देखते हैं यू यूनाइटेड अरब अमारात क्योंकि आप लोग आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं सो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पर ये देखिए कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है सोशल स्टडी के टीचर अवेलेबल हैं यहाँ पर वे में इसके ऊपर क्लिक कर लेता बहुत ज्यादा जॉब्स हैं यहाँ पर लेकिन मैं क्विकली एक के ऊपर अप्लाई करके आपको बता देता हूँ यहाँ पर देखिए इंग्लिश टीचर म्यूजिक टीचर इंग्लिश टीचर एलिमेंट्री टीचर यहाँ पर के जी टीचर बहुत ज्यादा टीचिंग जॉब अवेलेबल है किसी एक को ओपन कर किस डिटेल वगैरह देख लेते हैं यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर यह लीवा इंटरनेशनल स्कूल है उसके बाद यहाँ पर यह देखिए इंग्लिश टीचर रिक्वायर्ड है यहाँ पर ये यह देखिए अल एन यूनाइटेड अरब अमारात का जो एक स्टेट है अल एन वहाँ पर यह जॉब है जब आपका एक साल कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको एनुअल टिकट मिलेगी इकोनॉमी क्लास की रिटर्न टिकट यहाँ पर देखिए अपलाई नाउ के बटन पर आप क्लिक करेंगे अकोमोडेशन गए प्रोवाइडिंग यहाँ ये देखिए सारी चीजें अवेलेबल हैं यहाँ पर, यह है पर ना दो साल का एक्सपीरियंस चाहिए एक वैकेंसी अवेलेबल है मिडिल स्कूल है यहाँ पर ये यह देखे सारी, सारी पर, दे की सारी चीजें यहाँ पे टैक्स फ्री सैलरी होगी सर्विस एंड बेनिफिट मिलेगा ग्रेजुएटी मिलेगी यूए मेडिकल इंश्योरेंस होगी वीजा प्रोसेसिंग यानी कि वीजा भी प्रोवाइड करेंगे एंड एक्सलेंट करियर प्रोग्रेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में सारी चीजें बताई गई है एंड अप्लाई नौ के बटन पे आपने क्लिक कर देना है और आपकी जॉब हो जाएगी अप्लाई उ सिंपल इट इज इस तरह आप आए इस वेबसाइट के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं चाहे आप यूएस में करना चाहते हैं ऑनलाइन करना चाहते हैं दुबई में करना चाहते हैं दुबई के किसी स्टेट में करना चाहते हैं कनाडा में करना चाहते हैं जहां पर आपका दिल करे यहां पर आए हंड्रेड्स ऑफ ट्यूटर की जॉब अवेलेबल है आपके लिए बहुत गोल्डन अपर्चुनिटी है आज अप्लाई करें और टीचिंग जॉब में अपना कैरियर डेवेल्प करें और पैसा कमाना स्टार्ट कीजिए अदर दे पाकिस्तानी रूपीज आई होप गाइज आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी सो इसको थम्स अप जरूर दीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल नाइनटीस मिनिटोर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू